हरियाणा में भले ही शिक्षा की रफ्तार या फिर विकास की रफ्तार बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो, लेकिन इन दिनों प्रदेश में अपराध की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये अपराध की रफ्तार तो अब इतनी तेजी से बढ़ गई है कि सीएम साहब के पैतृक गांव तक पहुंच गई। जिस क्राइम को खत्म करने का दावा सीएम साहब और उनके अन्य मंत्री करते रहते हैं, आज उसी दावों की पोल खुल गई है। सरकार कहती है कि हम क्राइम को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, प्रदेश को अपराध मुक्त बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हवा हवाई ही है, क्योंकि गुरुवार शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निदाना में गैंग वॉर हुआ, लेकिन पुलिस अब तक कुछ कर नहीं पाई है। और ये गैंग वॉर पहली दफा नहीं हुई है, बल्कि ये गैंग वॉर निदाना में पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। दरअसल मामला ये है कि गुरुवार देर शाम मृतक और उसका एक साथी बाइक से कहीं जा रहे थे, तो 3 से 4 युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सुमित नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी घायल हो गया, जिसे पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ये फायरिंग गैंग वॉर के कारण हुई। गांव में डीसी गैंग और गोधू गैंग के बीच गैंग वॉर छिड़ा है। ये दोनों ही गैंग एक दूसरे पर फायरिंग करते रहते हैं। मृतक सुमित पर गांव के ही 3 युवकों की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही सुमित पर हत्या के प्रयास और लूट के भी मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में सुमित जमानत पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद मौका देखते ही दूसरे गैंग के लोगों ने सुमित पर हमला कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही महम के डीएसपी विवेक कुंडू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी विवेक कुंडू ने बताया कि इनकी काफी समय से आपस में रंजिश चल रही थी और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि निंदाना गांव में गोलीबारी हुई है, तो सूचना के बाद हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे, जहाँ पर जाने के बाद पता लगा कि सुमित नाम के एक लड़के को, जो कि निंदाना गांव का रहने वाला है, उसको गोलियाँ मारी गई हैं। उसको सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर ब्रॉड डेड जो है उसको घोषित किया गया। वहाँ कितने बंदे थे जिन्होंने गोली चलाई, कोई सूचना, कोई सीसीटीवी वगैरह? कोई अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं। 3 से 4 आदमी मौके पर बताए जा रहे हैं। 7 आदमियों के खिलाफ जो है परिवारजनों ने मुकदमा दर्ज करा है। और भी कोई इंजर्ड है सर? एक और आदमी को जो है, जो उसके साथ मोटरसाइकिल पर मौजूद था, उसको इंजरी हुई है। अंशुल नाम का लड़का है, वो पीजीआई रोहतक में एडमिट है। जो ये मृतक है, इनके ऊपर भी हत्या के आरोप बताए गए हैं। मृतक के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से हत्या के प्रयास के और हत्या के मुकदमे हैं और जो है लूट के मुकदमे भी हैं। तो सर क्या कार्रवाई से लगी इस मामले? मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है, आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए धरपकड़ की जा रही है और जो है ये जाँच की जाएगी कि ये किस प्रकार से, किस रंजिश में मर्डर हुआ है। मोटरसाइकिल भी छीनने के आरोप है? हाँ, एक मोटरसाइकिल छीनने की घटना भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने भागते हुए रास्ते में कोई मोटरसाइकिल छीनी है, उसके ऊपर भी जो है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल जिस तरह से सोनीपत में एक ही दिन एक ही युवक की ओर से 3 जगह फायरिंग की जाती है और अब सीएम साहब के पैतृक गांव में गैंगवार होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा देता है कि क्या यही है खट्टर साहब की कानून व्यवस्था? कैसे बनेगा अपराध मुक्त हरियाणा? रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।